हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी नेचुरल खुशी। आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ आप घर बैठे अपने बालों को कलर कैसे कर सकते हो कम बजट में, वो भी घर की चीज़ों से। किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और आपके अगर बालों का हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो हेयर ग्रोथ भी होगा। सबकी चाहत होती है कि हमारे बाल जो हैं वो लंबे रहें, काले घने मजबूत रहें, बट सबके बाल ऐसे नहीं होते हैं। तो अगर आपके भी ये प्रॉब्लम है तो आपके पास भी सलूशन है, क्योंकि इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और आपको पता चल जाएगा। और जिनको कलर चाहिए वो यहाँ पे मेहंदी का यूज़ करेंगे, तो क्या क्या इसमें ऐड करेंगे जिससे कि आपके बालों में कलर भी अच्छे से आएगा और आपके बालों में शाइनिंग भी आएगी, आपके बालों का हेयर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से होगा। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो हमने लिया यहाँ पर चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिससे कि आपके बालों का हेयर कलर भी अच्छे से होता है, बालों में शाइनिंग एंड स्मूदनिंग भी बनी रहती है। इसमें जो विटामिन्स होते हैं ये आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फिर उसके बाद से हमने लिया है यहाँ पर चावल। चावल भी सबके घर पर अवेलेबल होता है। चावल से आपके बाल जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, ग्लासी होते हैं और स्मूद होते हैं। आपके बालों में किसी तरह का फ्रिजनेस नहीं रहता है और आपके बालों का हेयर ग्रोथ भी करता है। थर्ड हमने लिया है यहाँ पे लौंग के दाने। लौंग के दाने जो होते हैं ये आपके बालों का हेयर ग्रोथ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है और आपके बालों को कलर करने के लिए भी अच्छा कलर देता है। उसके बाद से हमने लिया है यहाँ पर मेथी दाना। मेथी दाना आपके बालों में नए बाल उगाता है, आपके बालों को स्ट्रेट करता है और आपके बालों को शाइनिंग एंड स्मूदनिंग करता है। आपके बालों को दो मुहे बालों की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी ये दूर करता है। उसके बाद से आपको ले लेने हैं सारे इंग्रेडिएंट एक कटोरी में या फिर किसी भी बर्तन में आप ले लीजिए। उसके बाद से आप इसमें एक गिलास पानी डाल दीजिए। पानी की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा जितना आपको चाहिए। अगर आपके बालों में वाइट हेयर की प्रॉब्लम है, होता है कि समय से पहले जो होते हैं हमारे बाल कभी कभी पकने स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में है, अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, सर्दी की वजह से डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो होती ही होती है, डैंड्रफ की वजह से हमारा हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होने लगता है, बालों में बाल जड़ों से बाल जो हैं एकदम से निकल जाते हैं, बाल नहीं दिखाई देते हैं और बालों का हेयर ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जब भी हमारे जड़ मजबूत नहीं होंगी तो बालों का हेयर ग्रोथ नहीं होगा। तो इसके लिए आपको करना है, ये जो हम यहाँ पे बना रहे हैं इसको आपको अच्छे से रखना है गैस पे। गैस का फ्लेम जो है वो स्लो रखिएगा, हाई मत रखिएगा, क्योंकि इसके जितने भी विटामिन्स हैं वो सारे हमें पका के पानी में लाना है, ऐसा नहीं कि हमें इसको जलाना है। स्लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से पकाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट। फिर उसके बाद से आपका जब भी चावल और मेथी अच्छे से फूल जाए तभी आप इस गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर दीजिएगा। तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो पानी की क्वांटिटी जो है वो आधे से भी कम हो चुकी है और यहाँ पे हमारा जो है ये पक भी चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। उसके बाद से अगर आप चाहो तो इसको ठंडा होने के लिए रख दो, या फिर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप इसको गर्म भी छान सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको गर्म ही लेंगे, क्योंकि हमें इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी है ताकि ये और भी ज़्यादा पावरफुल बन सके। उसके बाद से हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद से आप इसको रख लीजिए साइड में। इसका आपको मैं 2 से 3 तरीके बताऊँगी यूज़ करने का। तो फर्स्ट जो है ये आपने जो पानी निकाल के रखा है, बच्चे हैं अगर कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, 12 साल से कम की उम्र की हैं, इसको आप स्प्रे वाले बोतल में भर के उनको भी लगाइए, उनके बालों का भी हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होगा। कोई भी केमिकल नहीं है इसमें तो उनको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। सेकेंड जो है आपको ऑयलिंग करना है। बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई भी है वो भी ऑयलिंग कर सकता है, लेडीज़ है, जेंट्स है, जो भी हो। आपको ले लेना है पानी की क्वांटिटी। उसके बाद से आपको लेना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अगर आपको सूट नहीं करता तो आप सरसों का ऑयल भी ले सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और कोकोनट ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये कोकोनट ऑयल से आपके बालों के जो वाइट हेयर की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर होती है, साथ ही आपके बालों का हेयर ग्रोथ भी होता है और काफ़ी अच्छा आपके बालों को स्मूदनिंग भी करता है। तो यहाँ पर हमने ले लेना है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल बड़ी चम्मच से।
फिर उसके बाद से आपको इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करके इसको रख दीजिए स्टोर करके 102 हफ्ते के लिए। फिर उसके बाद से आप अपने बालों में इसको नाइट में अप्लाई कीजिए, सुबह में आप अपने बालों को धो लीजिए। जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो उसके बाद आप देखिएगा कि आपके बाल कितने ज़्यादा शाइनिंग एंड स्मूदनिंग एंड ग्लासी दिख रहे हैं। आपके जो बाल हैं, बालों में से हाथ आपके फिसलते रहेंगे और आपके बालों में किसी तरह का फ्रिजनेस नहीं रहेगा, ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सो चलते हैं हम हमारी अगली रेमेडी की तरफ। तो जो हमने तीसरा वाला बोला था यू है हमारा हिना मेहंदे। आपको लेना है यहाँ पे हिना मेहंदे या फिर नीपू नीसा, जो भी आपको अच्छा लगता हो आप वो वाला मेहंदी ले लीजिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो हमने लिया आपको भी वही लेना है। और ये जो हमने नीपुर मेहंदी लिया है ये आपको 35 रुपीज़ का मिल जाता है और काफ़ी अच्छा इसका क्वांटिटी भी रहता है। इसे केमिकल फ्री होता है, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद से आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग ले लेना है। जिनके बालों में वाइट हेयर की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे पानी जो बनाएंगे वो आयरन के बर्तन में ही तैयार करेंगे, और जिनको वाइट हेयर की प्रॉब्लम है वो मेहंदी को ही जिसमें आपने पानी को बना के तैयार किया है उसी बर्तन में आपको मेहंदी को भी बनाना है बिना बर्तन को धोए हुए। फिर उसके बाद से हमने लिया यहाँ पे 2 चम्मच लेना है दही, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो सर्दी के टाइम में हमारे बाल जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम दही का इसमें यूज़ कर रहे हैं तो हमारे बालों में स्ट्रेटनिंग आएगी, स्मूदनिंग आएगी और काफ़ी अच्छा सा हमारे बाल जो हैं शाइनिंग सिल्की रहेंगे। उसके बाद से जो आपने पानी बना के यहाँ पे तैयार किया है उस पानी को आप इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। जब आप इसको मिक्स करोगे तो उसके बाद से इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी हो जाएगी। उसके बाद से आपको रख देना है ओवरनाइट के लिए। जो इसमें जो लम्स हमें दिखाई दे रहे हैं अगर हम इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे तो इसके लम्स भी अच्छे से मिल जाएंगे और हमारा मेहंदी जो है वो कलर भी अच्छे से प्रोवाइड करेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे रखा था ओवरनाइट के लिए। फिर सुबह में हम अपने बालों में इसको अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके बालों में किसी तरह का ऑयलिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपके बालों में पहले से ऑयलिंग रहेगा तो आपके बालों में कलर प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। फिर उसके बाद से आपको अपने बालों को अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद से मेहंदी को अपने बालों में लगाना है। तो बालों को पार्टीशन में कर लीजिए। पार्टीशन में करने के बाद से मेहंदी जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही आप लोगों को भी यहाँ पे मेहंदी को अपने बालों में अप्लाई करना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो आप किसी और से बोल के लगवा सकते हैं। और हाथों में अपने आप ग्लव्स या फिर पॉलिथीन ज़रूर लगाइए ताकि आपके हाथों में कलर जो है वो लगे ना, क्योंकि मेरे हाथों में लग गए थे और मुझे छुड़ाने में तो मतलब 3-4 दिन तो लग गया था, जल्दी निकलता नहीं है। और उसके बाद से आपको हम एक चीज़ और बता दें कि जब भी आप मेहंदी अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे कानों के आजू बाजू में लग जाएगा या फिर मेरे हेड पे लग जाएगा तो आपको इस कंडीशन में करना क्या है। सबसे पहले अपने बाल अपने जहाँ पे आपको लग रहा है कि लग जाएगा मेहंदी वहाँ पे आप वैसलीन लगा लीजिए या फिर कोई भी ऑयल लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जो अगर मेहंदी लगेंगे तो आपको मेहंदी वो चढ़ेंगे नहीं, कलर नहीं देंगे वहाँ पे। तो इसके लिए आपको ऐसे प्रॉपर तरीके से मेहंदी को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद से आपको इसको 2 से 3 घंटे के लिए पूरा छोड़ देना है। जब भी आपका 2 से 3 घंटा हो जाएगा फिर उसके बाद से आप अपने बालों को सादे पानी से धो लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हो कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुका है। जब भी 2 से 3 घंटे हो जाएंगे धो लीजिएगा। धोने के बाद से आपको नाइट में अच्छे से हैवी ऑयलिंग करना है। हैवी ऑयलिंग करने के बाद से सुबह में आप अपने बालों को शैम्पू से धोइएगा। ऐसा करने से आपके बालों का कलर जो है वो प्रॉपर तरीके से लॉक हो जाएगा। आई होप कि वीडियो